हेलो बच्चों, आज हम क्लास फोर्थ की इंग्लिश की बुक की रन पोयम करेंगे। इस पोयम में उन लोगों के बारे में बताया गया है जिन्हें भागने से बहुत खुशी मिलती है। बताया गया है कि बच्चों को ज्यादा पसंद है भागना, सारे दिन दौड़ लगाना, और इससे उन्हें खुशी मिलती है। तो चलो बच्चों, अपनी पोयम शुरू करते हैं। Away from the city and into the sun, out to the country, run, run, run. अपने शहर से दूर सूरज की तरफ, अपने गांव से दूर बस भागते रहो, भागते रहो, भागते रहो. Run in the raindrops, run beneath the trees, run little races with each little breeze. जब बारिश आती है तो उसमें कितना अच्छा लगता है हमें भागना। ऐसे ही बारिश की बूंदों में भागते रहो, पेड़ों के नीचे से जाते रहो, भागते रहो, और जो ठंडी ठंडी हवा चलती है उसमें भागते रहो। Run down the hillside, run up the lane, run through the meadow, then run back again. पोएट बोलता है कि ऐसे भागो, पहाड़ी की तरफ भागते जाओ, छोटी छोटी गलियों में भागो, जो घास के मैदान होते हैं उनमें भागो, उनमें दौड़ लगाओ, और फिर वापिस आ जाओ। Run and be merry all through the day, run to the country, away, away. भागने से इतनी खुशी मिलती है कि पूरा दिन भागते रहो, और गांव से शहर से दूर चले जाओ, भागो और भागो और दूर चले जाओ। तो ये थी हमारी रन पोयम, जिसमें पोएट ने बताया है भागने से दौड़ने से इतनी खुशी मिलती है, और ये खुशी बच्चों के चेहरों पे साफ दिखाई देती है, क्योंकि सबसे ज्यादा तो बच्चे भागते हैं। देखा है ना, बचपन में उनका खेल होता है बस भागते रहो, भागते रहो, भागते रहो। तो अब करते हैं हम इस पोएम की एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएम टेल अस टू डू। पोएम हमें क्या करने को कह रही है। द पोएट टेल अस टू रन थ्रू आउट द डे, पूरा दिन भागने के लिए कह रही है। अवे फ्रॉम द सिटी टूवर्ड्स द कंट्री साइड, शहर से दूर गांव के पास भागने को बोल रही है। राइट अबाउट द प्लेसेस वेयर द पोएट वांट अस टू रन, कहाँ कहाँ पोएट हमें भागने को बोलता है, जाने को बोलता है, कहाँ कहाँ। द पोएट वांट अस टू रन टूवर्ड द कंट्री साइड, अंडर द ट्रीज, डाउन द हिल साइड, अप द स्ट्रीट, थ्रू द मिडो। वो बोलता है कि गांव की तरफ भागो, पेड़ों के नीचे भागो, घास के मैदानों की तरफ जाओ, पहाड़ी से नीचे भागो। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट आता है, सम लेटर्स आर मिसिंग इन ईच वर्ड, राइट डबल ई और ई ए इन अ ईच वर्ड। हर वर्ड्स में बीच के कुछ लेटर मिसिंग है, और उसमें हमें डबल ई या फिर ई ए भरना है। जैसे पहला है ट्रीज, तो ट्रीज की स्पेलिंग में डबल ई आता है, तो हम डबल ई लिखेंगे। फिर है प्लीज, प्लीज में ई ए आता है, डबल ई नहीं आता, ई ए आता है। फिर है टीज, टीज में ई ए आता है। फिर है टीच, टीच में भी ई ए आता है। नेक्स्ट आता है स्लीप, स्लीप में डबल ई आता है। बीप, बीप में भी डबल ई आता है। फीट, फीट में भी डबल ई आता है। और मीट, मीट में एम ई ए आता है, एम ई ए टी। नेक्स्ट में हमें डबल ई और ई ए से कुछ वर्ड्स बनाने हैं, और ई ई के कॉलम में लिखने हैं ई ई वाले वर्ड्स, और ई ए के कॉलम में लिखने हैं ई ए वाले वर्ड्स। जैसे कीप, जीप, पीप, डीप, पीक, सीड, फीड, सीक, इनमें डबल ई आता है। और अब ई ए वाले शब्द, रीप, लीप, पियर, नियर, टियर, टी, टीक, पीक, बियर। तो बच्चों, ये थी हमारी रन पोयम।